गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। आप सभी को मेरी अगर आवाज़ सुनाई दे रही है ठीक से, तो एक बार कमेंट में बता जरूर दीजिएगा। क्लास अगर ठीक चल रही हो, सब कुछ प्रॉपर सही है, तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें व्हाट्सएप पर एंड टेलीग्राम ग्रुप्स पे। अपने दोस्तों को भी क्लास में इन्वाइट करें, बुलाएं उनको। और जीके का टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चे क्लास में नए हैं, क्लास का टाइमिंग आपको सामने दिख रहा है। इन टाइमों पर हमारी चैनल पर लाइव क्लासेस चलती है, बीएड बेस परीक्षा की फुल तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। हर क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे दिया गया है। साथ ही साथ आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो भाई, तो बहुत सारे बच्चे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जो कॉमेंट करते हैं वो दोस्तों देख नहीं पाता हूँ, बहुत सारे कॉमेंट आते हैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो अगर आपको डायरेक्ट से रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई सब लोग जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करो भाई, 100 लोग आ जाएं क्लास को तब तक स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। प्लीज़ शेयर करिए क्लास को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई। सभी के मैं देख रहा हूँ कमेंट। जिसने भी क्रैश कोर्स नहीं परचेज किया, अगर आप खरीदना चाहते हो दोस्तों, तो इसकी कीमत 149 रुपये मात्र फॉर्म आने तक रहेगा। यानी फॉर्म अगर आ जाएगा, फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद इसकी कीमत 249 रुपीज़ कर दी जाएगी। तो अभी भी मौका है 149 रुपये में इसको खरीदने का। लिंक इस कोर्स को परचेज करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लिंक से परचेज नहीं कर पाते हैं तो एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करिए व्हाट्सअप पर, आपकी पूरी सहायता की जाएगी कोर्स को परचेज करने में। चलिए भाई, 95 लोग आ चुके हैं, 100 103 हो चुके हैं। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई, सब लोग लाइक एंड शेयर करते रहेगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है, बट अगर आप समझते हैं तो आराम से उत्तर कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कंप्यूटर में एक इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर ऑपरेटर या रख रखाव इंजीनियरिंग इंजीनियर और कंप्यूटर के बीच संचार के लिए आरक्षित है, डैश डैश के रूप में जाना जाता है, भाई क्या है वो चीज? आराम से दोबारा पढ़िए, समझिए और उत्तर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, काफी लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग सी, कुछ डी आंसर कर रहे हैं, कुछ ए आंसर कर रहे हैं, लेकिन सही जवाब तो किसी का आ ही नहीं रहा है। तो चलो भाई मैं बता देता हूं, राज यादव जी ने बी उत्तर दिया है यहां पर, साजिद इकबाल जी ने भी सही उत्तर दिया है यहां पर। चलिए बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पर कंसोल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कंसोल सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? भाई क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है। आप शेयर करेंगे तो और भी लोग जुड़ेंगे और क्लास में और ज्यादा मजा आएगा क्लास करने में। तो प्लीज शेयर करें क्लास को और लाइक कर दो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 2 नंबर का उत्तर का इंतजार कर रहा हूं भाई। सभी लोग प्लीज क्लास को शेयर करें एंड लाइक करें भाई। सौम्या बहुत बढ़िया, रेनू, प्रशांत, दिव्या, अंकिता, नंदिता, बबीता, सूफिया, छवि, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कपास की खेती लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरी तरह से लोचदार मांग में, डैश डैश आप 4 ऑप्शन दिए गए, सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अधिक कीमत पर मात्रा की मांग घटकर शून्य होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में खाली होता है? 4 नंबर का उत्तर दें सभी लोग, बताइए भाई। चलिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा? कमलेश, ममता, आनंद, शिवानगी, सर कोई आपको चॉकलेट दे रहा है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा बताओ भाई? रोहित भाई बहुत बहुत शुक्रिया। 4 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? रेनू, बहुत बढ़िया, अनमोल, शलोनी, सभी लोग शेयर करो भाई क्लास को। सूफिया, आरती शहानी, दीपांजलि, निधि मौर्य, बिल्कुल सही जवाब, रीता वर्मा, बिल्कुल सही उत्तर। 4 नंबर का उत्तर बी का उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्कासन करने पर, आपका ऑप्शन नंबर बी का उत्तर हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहां पर। देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि उनके कार्यकाल की समाप्ति पर, मृत्यु का कारण हो सकता है, त्यागपत्र का कारण हो सकता है, यानी वो इस्तीफा दे दें अपना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटाने पर भी हो सकता है, और महाअभियोग द्वारा हटाने पर भी, ये 4-5 कारण हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 धातुओं की, बिल्कुल भाई सही जवाब है आपका 4 का बी। चलो भाई, 2 धातुओं की टंकाई किस गुण से संभव हो पाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दिए,
टकाई की बात करिए, टकाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए, टांका लगाना, वो ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग वर्ड क्या कहना चाहते हो। 5 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णु जी, बहुत बढ़िया। तनु सिंह, बिल्कुल सही जवाब। रोहित, अंकिता, बिल्कुल सही उत्तर। सब लोग शेयर कर रहे हो ना भाई, सबने लाइक भी कर दिया होगा। बहुत नहीं, लाइक तो बहुत कम हुआ है भाई, सभी ने नहीं किया है। 160 लोग क्लास को देख रहे हैं, 70 लोगों ने लाइक किया है, मतलब कि 100 लोग लगभग लगभग लाइक नहीं किए। सभी लोग लाइक करिए भाई। प्रतिभा, बहुत बढ़िया। सुरजीत भाई, बिल्कुल सही जवाब। हीना अंसारी, नीलम अंगत, बहुत बढ़िया। 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा भाई। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दिए, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। छह नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसका भी उत्तर काफी लोगों का गलत है, कुछ लोगों ने आंसर दिया यहां पर, बहुत बढ़िया भाई। रोहित मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी, सर्वोदय शब्द से तात्पर्य है सार्वभौमिक उत्थान तथा सभी की प्रगति से है। इस शब्द का निर्माण सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा जॉन रस्किन की राजनीति अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक अनटू दिस लास्ट में 1908 में अनुवाद के रूप में किया था। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दें आप सब लोग। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 100 लाइक कंप्लीट होने में मात्र 1 लाइक की कमी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? कोई एक स्टूडेंट क्लास को जल्दी से लाइक करे भाई। कुमार प्रिंस, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र भाई, बिल्कुल सही उत्तर। और लोग बताओ भाई, सौम्या आस्था, बिल्कुल सही जवाब। अनीता जी, बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 का जितने लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जुलाई, 14 जुलाई 2013, बिल्कुल सही जवाब है। आज तो भाई काफी लोगों के उत्तर गलत जा रहे हैं। अगला देखो भाई, 8 नंबर है, चलो भाई 8 पे आ जाओ। सिग्मा रूपी बृहदान्त्र किसका भाग है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दें आप लोग। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देना भाई। कुलदीप यादव, बहुत बढ़िया। आनंद सिंह, नीलम मौर्य, रोहित, बिल्कुल सही जवाब। शालिनी गुप्ता, शाजिद इकबाल, बहुत अच्छा भाई। कुमार प्रिंस, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बड़ी आंत हो जाएगा यहां पर, बड़ी आंत। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? सर आज कॉपी करने को नहीं मिल रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भाई? आज क्लास में क्वेश्चन जब सही नहीं जा रहे हैं तो देखिए काफी बच्चे क्लास को छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है भाई, उनका कुछ होने वाला नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विद्युतीय, बिल्कुल निष्प्रभावी, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दें आप लोग। 9th लेवल के क्वेश्चन है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री के, कौन सा बहुत ज्यादा हार्ड है। 10 नंबर का जवाब दीजिए, 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देखिए, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ भाई? 10 का सी, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं। निधि मौर्य, बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे बच्चे, सुरजीत, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। हीलियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है भाई? अब देखो कितना इजी प्रश्न आ गया है ना, अब तो फटाफट सब आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दो भाई, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिदया, अंकिता, हीना, प्रशांत, आनंद, कुलदीप, बहुत बढ़िया। चलिए जवाब देते चले सब लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग, बिल्कुल सही है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? बताओ भाई, 12 नंबर का उत्तर दीजिए सभी लोग। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीति गुप्ता जी आंसर करिए, छवि कुमारी, चलिए बताइए। नीलम जी, बहुत बढ़िया। प्रतिष्ठा यादव, शिल्पा दुबे, बिल्कुल सही जवाब। शूफिया, बिल्कुल सही उत्तर। 12 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, स्थलाकृत मानचित्र कहते हैं उसको, ठीक है, बिल्कुल बी, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। अगला देखो भाई, 13 नंबर, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? 13 नंबर का जवाब दो भाई, सभी लोग 13 का उत्तर करेंगे। 182 लोग क्लास में भाई, 250 का टारगेट है क्लास में पहुंचाने का भाई, सब लोग शेयर करो क्लास को।
प्लीज शेयर करें क्लास को एंड लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देखिए, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं सी विष्णु जी, बिल्कुल सही जवाब। जावेद बिल्कुल सही उत्तर। चंद्रेश्वर बहुत बढ़िया। 13 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नर्मदा भाई, नर्मदा बिल्कुल सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 है आपात, बिल्कुल सही, काफी लोगों ने जवाब दिया भाई, बिल्कुल देख रहा हूं कमेंट। चलो आपातनी कहां पर, कहां का मुख्य जनजाति समूह है, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दें आप सब लोग। 14 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा कमेंट करें। चौदह का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। अगला देखो भाई 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है, 15 का उत्तर दो। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंद्रह नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, फाइटोक्रोप। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 है, एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सत्रह का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विटामिन सी, विटामिन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। अगला देखो भाई 19 नंबर यहां पर इसको स्किप करते हैं भाई, ठीक है टाइम लगेगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है वाला। चलो 19 नंबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है, ये तो पता होगा ना भाई, या इसको भी तुक्का मारेंगे, 19 नंबर का जवाब दो। मुझे पता है आज काफी लोग तुक्का मार रहे हैं भाई, हाथ खड़ा कर दो सब लोग, कौन कौन आज गैस कर रहा है केवल क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का बताओ जवाब सब लोग। चलो आंसर करो भाई सभी लोग, शेयर एंड लाइक जरूर करना भाई। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या हो जाएगा, भावना मौर्य 19 का बी कर रही है, 6 वर्ष, काफी लोग बी बोल रहे हैं, काफी लोग आंसर कर रहे हैं बी, 19 का सही जवाब बताओ भाई क्या हो जाएगा। कुछ लोगों ने 2 वर्ष भी बोला है, कुछ लोग 2 वर्ष भी बोल रहे हैं, तो सही जवाब आपका 2 वर्ष वाला ही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 19 का डी करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया, 20 का राइट आंसर भाई, 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर तो शालिनी जी कह रही हैं, अगर ऐसे प्रश्न आए तो हमारा तो बंटा धार बिल्कुल आएंगे, अगर ना आते तो फिर पढ़ाता क्यों इसको, पढ़ा रहा हूं मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तभी तो पढ़ा रहे हैं इसको, वरना क्या टाइम वेस्ट आपका कर रहे हैं फालतू में। 21 का उत्तर क्या हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, थोड़ा सा इजी लेवल का पढ़ाया था स्टार्टिंग में, ताकि आप लोगों का, बहुत लोगों का क्या होता है कि बीएड में मैंने कई साल से मैं तैयारी करवा रहा हूं भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि काफ़ी बच्चे ऐसे हमारे साथ जुड़े जिनकी पढ़ाई छोड़े 4-5 साल हो गए, ठीक है, बहुत सारे लोग हाँ ऐसे हैं जो 3-4 साल हो गए उनको ग्रेजुएशन किए हुए, पढ़ाई छोड़ दिया उन्होंने, अब बीएड करने जा रहे हैं, तो क्या हुआ अचानक से अगर हम बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन या जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं वो कराते हैं ना, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल बौखला जाते हैं कि अरे यार मेरे तो बस का है ही नहीं, है ना, मैं तो एंट्रेंस ही नहीं पास कर पाऊंगा, कैसे मैं एडमिशन लूंगा, तो इसलिए पहले क्या करते हैं हम स्टार्टिंग से, अब से जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन करवाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों का फ्लो बन जाए ना पढ़ने का, तब फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, बिल्कुल 21 नंबर का बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दो।
22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा भाई, डी करेक्ट है। अगला देखो भाई 23 नंबर है, 23 देखो क्या कह रहा है यहां पर। भाई यहां पर एक सूत्र दिया गया है 45x या 45xO को डैश डैश रूप में भी जाना जाता है, 23 का उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। भाई ये बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, गुणसूत्र हैं, ठीक है। 23 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 23 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, टर्न सिंड्रोम इसको कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस देश ने आधिकारिक रूप से यरूशलेम में अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया और फिलिस्तीनों ने अपने मुख्य राजनीयकी मिशन की स्थिति को न्यून कर दिया है। ये करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 24 नंबर का उत्तर दो भाई, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग भाई शेयर भी करो क्लास को, है ना, अगर आप कहेंगे ऐसे, अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे ना भाई क्लास में संख्या कम होने लगती है। जैसे ही थोड़ा से अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आता हूं, थोड़ा सा टफ लेवल का जैसे ही क्वेश्चन कराता हूं, बच्चे भागने लगते हैं क्लास छोड़कर। तो भाई ऐसा करोगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा भाई। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर आप लोग भाई क्लास नहीं कर रहे हो। सभी लोग शेयर एंड लाइक कर दो भाई जल्दी से। 24 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है। अगला देखिए भाई 25 नंबर है, चलिए संयोजक बॉन्डों में से कौन सही है, क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दो। यहां पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, कौन कौन से कथन सही है इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। 25 का ऑप्शन पढ़ें और बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा नीचे वाले ऑप्शन में। पच्चीस का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, केवल एक और तीन सही है, ठीक है, बिल्कुल। उसका गलनांक और कथनांक कम होता है और इलेक्ट्रॉनों के बीच संबंध कमजोर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दीजिए। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, शिवानी कह रही है गैस भी गलत हो रहा है, हम नहीं करेंगे। अरे फिर अगर हम ऐसे क्वेश्चन ना कराएं तो आप लोग अगर एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देखते तो मुझे लगता है बेहोश हो जाओगे आप लोग, है ना। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। चलिए कोई बात नहीं, गलत जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करते रहिए, इसका पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, आप रिवीजन कर लेना। 26 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20, बिल्कुल काफी लोगों ने जवाब दिया है यहां पर, क्या हो जाएगा सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली महाराष्ट्र और डैश के बीच स्थित है भाई, 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। सभी लोग लाइक भी कर दो भाई, 150 लाइक कंप्लीट होने वाला है, 2 लाइक की कमी है। 27 का उत्तर देखिए डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहां पर, गुजरात, काफी लोगों ने पढ़ा होगा इसको, गुजरात सही है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है बताओ भाई, 28 नंबर का उत्तर दो। 28 का उत्तर दीजिए, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है पूछा गया है, 28 का राइट आंसर कौन करेगा भाई सबसे पहले। 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गणित, बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगला देखो भाई 29 है, डैश डैश उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यहां युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया, वह कौन सा नृत्य भाई बताओ भाई जो उड़ीसा का एक नृत्य है। 29 का आंसर दें सभी लोग, 29। आनंद सिंह आज नेटवर्क का बहाना नहीं चलेगा भाई, नेटवर्क कल इशू था, आज सब कुछ सही है। 29 का उत्तर दीजिए भाई, बहाना बना के मत भागो आप लोग। 29 का उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, छाऊ कहते हैं उसको, ठीक है, छाऊ आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दें सभी लोग। 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
चलिए बिल्कुल 30 नंबर का उत्तर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, ये करवाया था भाई पहले भी क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग आरबीए किससे संबंधित है, 31 का आंसर दें सभी लोग। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का उत्तर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, बाढ़ से संबंधित है भाई, समझ वैसे ही समझ में आ रहा है। अगला देखो भाई 32 है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं, चलो बताओ भाई 32 का उत्तर दो किस कारण से। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, आरती शानी बहुत बढ़िया, जीवन वेरी गुड, दिनेश बहुत बढ़िया, शिवांगी, दीपांजलि, राज यादव, चलिए प्रशांत सिंह बिल्कुल सही जवाब, हीना, प्रिंस, साजिद। देखो भाई 32 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। काफी लोग आंसर का आंसर कैंसर कर रहे हैं, 32 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। सीरोडिस नामक एक बीमारी होती है, इससे यकृत क्षतिग्रस्त हो जाती है क्योंकि शराब की विशेषता को निष्क्रिय करने के लिए यकृत मुख्य भूमिका निभाता है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 33 है, चलो भाई 33 पे आ जाते हैं, चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर दीजिए, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उत्पादक। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह विहाल गनी के विनाश का श्रेय दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दें आप लोग। 34 का उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, 34 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बलबन। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, 35 का जवाब दीजिए, 35 भाई जैसे ही मैं थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन लेकर आता हूँ, आप लोगों के पसीने छूट जाते हैं भाई, फिर दूसरे दिन से मुझे वापस से फिर से थोड़ा सा ईजी करना पड़ता है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। भाई डरने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, डरने से आप ना ही बीएड कर सकते हो, आप ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, आप कैसे एंट्रेंस दे पाओगे। 35 का उत्तर दो, 35 का राइट आंसर, 35 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी का उत्तर हो जाएगा, सी का उत्तर हो जाएगा, लिम्नोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 देखो, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है भाई, 36 का जवाब दें आप लोग। 36 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37 है, ल्यूमेन एकक है, क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर दीजिए, 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 नंबर का उत्तर बताओ, 37 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 38 है, विटामिन ए प्रचुर होता है, किसमें होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर क्या हो जाएगा बताओ भाई। सौम्या बहुत बढ़िया, रोहित वेरी गुड, विष्णु, रोशनी तिवारी, तनु, सूफिया, अनमोल, बिल्कुल भाई देखो भाई 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, गाजर में। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 39 है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दें आप लोग। थर्टी नाइन का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी का उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंधन। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, 40 का आंसर दीजिए, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। 40 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 40 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है,
इसके बाद शाम 7 बजे वाली क्लास होगी भाई हिंदी की, आइएगा जरूर। जिसने भी लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज सभी लोग लाइक करें। इस क्लास का पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, आप लोग इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। देख लो भाई सब लोग लाइक करके जाना, ठीक है, आप लोग सब लोग फटाफट भाग जाएंगे भाई, है ना, लाइक कर दो जल्दी से भाई क्लास को फटाफट, सभी लोग लाइक कर दीजिए फिर जाना, ठीक है। और अगली क्लास शाम 7 बजे होगी। और हाँ इंपॉर्टेंट बात भाई, आज मैंने करंट अफेयर की, 2-3 दिन से होली के बाद से करंट अफेयर की क्लास नहीं हुई थी, लेकिन आज से फिर से कंटिन्यू किया है, बट बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है भाई। अगर करंट अफेयर की जरूरत ना हो आपको तो मैं क्लास नहीं कराऊंगा कल से, अगर जरूरत है भाई तो क्लास को जरूर देखा करो। अगर मैं मेहनत करता हूँ सुबह उठ के रिकॉर्ड करता हूँ क्लास को डालता हूँ, तो आप लोगों को देखना चाहिए भाई। जिसने भी करंट अफेयर की आज की क्लास नहीं देखी है इस क्लास के बाद में जाकर जरूर देख लो, ठीक है, थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा ना आज, तो आप लोगों का दिमाग खराब हो गया क्वेश्चन देखकर, मुझे पता है। कोई बात नहीं भाई, कुछ भी हो हमें, हमारा तो काम है भाई पढ़ाना, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल। आप सब लोग जाकर क्लास को देखिए करंट अफेयर वाली, आज जो 8 बजे अपलोड किया है।